बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं पंकज कुमार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम प्रगति की राह पर। में आज हम आपको एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलवाने जा रहे हैं जो उच्चतम तकनीक से सिंघाड़े की खेती करते हैं, उसके साथ साथ ये मछली पालन भी कर रहे हैं और पशुपालन भी करते हैं। ये हैं ग्राम बौरी खुद जिला सिवनी मध्य प्रदेश के निवासी विलास तिजारे। विलास तिजारे धान के खेत में सिंघाड़े की खेती करते हैं। इनके द्वारा उत्पादित सिंघाड़े पूरे मध्य प्रदेश में इनके खुद के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं। इनसे प्रेरणा पाकर के कई किसान सिंघाड़े की खेती करने लगे हैं। सिंघाड़े की खेती के साथ साथ ये पशुपालन एवं मछली पालन भी करते हैं, जिससे अच्छी आय प्राप्त होती है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी ये एक कवि भी हैं और इनको कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। तो आइए मिलते हैं प्रगतिशील किसान विलास तिजारे से। इनसे बात करें हमारे सहयोगी क्षितिज कुमार। तिजारे साहब, खेती में पशुओं का बहुत महत्व है और आपके पास तो बहुत ही अच्छा पशुधन है। ये ऐसा हुआ है सर, दो गायों से बढ़ते हुए ये बढ़ता गया है, एक पशु परिवार यहाँ तैयार हो गया है और लगभग 50-55 पशु यहाँ छोटे बड़े हैं अपने पास में। और इनका जो सबसे बड़ा उपयोग है ये खेती के लिए, जिस तरह हमारे शरीर में एक हृदय का स्थान है और उस हमारे एक स्वस्थ हृदय से पूरा हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उसी तरह एक पशुपालन से, अच्छे पशुपालन से हमारी खेती भी स्वस्थ रहती है। तो जितनी मात्रा में हमारे पास पशुपालन है, उतनी मात्रा में हम अपनी खेती को उतना स्वस्थ, उतना अच्छा और उतना फायदेमंद बना सकते हैं। इससे हमको दूध उत्पादन तो मिल ही रहा है, साथों साथ गोबर गोमूत्र, यहाँ असली कमाई जो है वो गोबर गोमूत्र की है। उस गोबर गोमूत्र को पैसे में कैसे बदलना, एक सबसे बड़ी खूबी है। पैसे में ऐसा बदला जाता है कि यहाँ का जो धोवन है, वॉश है, कैटल इसका शेड का, ये यहाँ से पाइपलाइन के माध्यम से चला जाता है तालाब में। तो वहाँ तालाब में जाने से क्या हो रहा है, गोबर गोमूत्र के कारण वहाँ प्लैंटॉन तैयार हो रहे हैं जो मछलियों का मुख्य भोजन है, जलीय वनस्पतियाँ तैयार हो रही हैं। तो इसके कारण मछलियाँ जो हैं वो अच्छी विकसित हो रही हैं। तो मछली पालन के लिए क्या करना पड़ रहा है, मुझे सिर्फ मत्स्य बीज डालना है, गौ पालन करो, मछली अपने आप पलती है। ये एक सबसे बड़ी खूबी है। और एक एकड़ जल क्षेत्र में बिना कुछ किए हमारे को 8 से 10 क्विंटल मछली प्राप्त होती है, जिसकी कम से कम अगर हम पकड़े भी ना, किसी से पकड़वा रहे हैं तो 70 से 80 रुपए किलो, यानी 7,000-8,000 रुपए क्विंटल। इस तरह 70-80 हज़ार रुपए की मछली हमको अपने आप मिल रही है। तो ये एक अतिरिक्त लाभ है जो हमको गोबर गोमूत्र से मिल रहा है। तीसरी बात, जो गोबर गोमूत्र है इससे हम सिंघाड़े की खेती कर रहे हैं। सिंघाड़े की खेती जो है, इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि सिंघाड़े का साइज बड़ा है। यहाँ जो सिंघाड़े की खेती धान की गहरी बंदियों में कर रहे हैं, जिसको महिलाएं भी आसानी से कर पा रही हैं, पुरुष भी कर रहे हैं, और कम लागत में अत्यधिक लाभ वाली खेती है ये। गोबर से कंपोस्ट तैयार करना, वर्मी कंपोस्ट तैयार करना, और जैविक उत्पाद चावल है, गेहूं है, तो ये ऊंचे कीमत पर बिकता है। लोग खुद डिमांड करते हैं, आते हैं कि भाई हमारे को ये शुद्ध आहार चाहिए, अनाज चाहिए। इस तरह से पशुपालन जो है ये तो रीढ़ समझ लीजिए आप, खेती की रीढ़ है, और ये रीढ़ जितनी मजबूत होगी खेती उतनी मजबूत। जब हमने बात की वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक एनके सिंह से तो उन्होंने बताया, वर्ष 2007-08 में जब हमारी मुलाकात विलास तिजारे जी से हुई तो इन्होंने बताया कि सर, हम लोगों के पूरे बरघाट विकासखंड में धान की खेती होती है और धान की खेती में हम कुछ नया करना चाहते हैं। तो उसी को ये देखते हुए इन्होंने ये बताया कि इसमें सिंघाड़े की खेती क्या संभव हो सकती है। तो हम लोगों ने कहा कि इसको प्रयोग के तौर पर आप आजमा सकते हैं।
और अगर धान की बंदियों में एक से दो फीट पानी में अगर सिंघाड़े की खेती हो जाए, और पहले यहाँ पे क्या है, कांटे वाले सिंघाड़े की खेती होती थी जिसको कि तोड़ाई में बहुत मुश्किल जाती थी और नाव की आवश्यकता पड़ती थी, और ये जो धान की बंदी में उस वर्ष प्रयोग हुआ उस प्रयोग के लिए हम लोग यहाँ से जबलपुर के पास गोसलपुर गए थे और वहाँ से ये लाल गुलरा और करिया हरीरा की बेल लेके आए थे। और ये जो बेल है ये जुलाई माह में जब लगाई गई यहाँ पे धान की बंदियों में, जब एक से दो फीट पानी उस समय बंदियों में था, और उसके बाद इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आया नवंबर दिसंबर में। और उस समय जो लोकल यहाँ पे मड़ई होती थी उस मड़ई में ये सिंघाड़ा काफ़ी प्रसिद्ध था और बहुत तेज़ी से वहाँ बिकता था, लोकल जो मार्केट वो लगते थे मार्केट। और उसी के आधार पर देखा गया कि जब सिंघाड़ा बहुत अच्छे तरीके से धान की बंदियों में होने लगा और इसकी तुड़ाई बिना किसी नाव की सहायता से सीधे सीधे हो जाती थी, तो उस आधार पे हम लोग देखे कि ये सिंघाड़ा काफ़ी अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। और विलास तिजारी जी ने इस काम को धीरे धीरे काफ़ी आगे बढ़ा दिया, और जब इस काम को उन्होंने बहुत बड़े रकबे में किया तो उसके बाद इन्होंने एक प्रश्न किया कि सर इस मिट्टी की भी जांच की जाए, क्योंकि सिंघाड़ा की जो फसल थी दिसंबर के लास्ट में जब इसकी तुड़ाई हो जाती थी तो इसकी बेल और पत्तियाँ क्या है सर के जैविक खाद का काम करती थी। तो जब हम लोगों ने उस मिट्टी की जांच की तो देखा गया कि मिट्टी के भौतिक रासायनिक जैविक गुणवत्ता में बहुत सुधार हुआ और मिट्टी का जो जैविक कार्बन था वो बढ़ गया था, दुगुना हो गया था। तो इस तरह से देखा जाए कि ये सिंघाड़े की खेती हुई, साथ में भूमिगत जल स्तर का भी बढ़ा और मिट्टी की भी भौतिक रासायनिक और जैविक गुणवत्ता में सुधार हुआ। ये जो है ये सिंघाड़े के बीज हैं जी, हाँ बीज का सिंघाड़ा जो जिससे हमारे को अगली बार नर्सरी तैयार करनी, जिससे बेल पैदा करनी है तो उसको इस रूप में रखा जाता है। अभी सुखाएंगे नहीं? नहीं नहीं नहीं, सिंघाड़े का जो फल है परिपक्व फल इसको छांट करके इस तरह डंठल समेत पानी में रखा जाता है। इससे ये जो पोर्शन है फरवरी में यहाँ से अपने आप अंकुर निकलना चालू होगा। जब इसमें कुछ में अंकुर आना चालू हो जाएगा तब क्या करते हैं कि ऐसा कीचड़ बना करके नर्सरी बना करके जैसे तैयार कर लेते हैं और इनको ऐसा फेंक देते हैं, ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, इतनी इतनी दूरी पर गिर जाए, एक फिट की दूरी पर ये गिर जाए और उसमें पानी भर देते हैं। तो लगभग ये समझ लीजिए कि 8 रोज 15 दिन में इससे अंकुर निकल के बेल निकलना चालू हो जाता है। फिर लगभग 1-1.5 माह में क्या होता है कि वो पूरे प्लॉट में वो बेल फैल जाती है। फिर ये किया जाता है कि दूसरी एक जगह फिर से कीचड़ बना करके नर्सरी तैयार कर लेते हैं और यहाँ से कलम तोड़ करके वहाँ फिर उस बेल की रोपाई कर देते हैं। आने वाले लगभग 1-1.5 महीने में स्थिति आती है कि पहले जहाँ हमने सीड डाला था वो भी पूरी तरह फैल के कवर हो जाता है और जहाँ बाद में लगाया ये भी पूरी तरह कवर हो जाता है। इस तरह एक प्लॉट में लगाया हो, अगर मान लीजिए कि हमने एक 10 डिसमिल में एक नर्सरी हमने तैयार की है तो उससे 5 गुना हिस्से तक वो बेल ऐसी फैल जाती है, यानी लगभग 50 डिसमिल में फैल जाएगी। और 50 डिसमिल की बेल जो है ये समझ लिए कि आप 5 एकड़ तक फैल जाती है। वहाँ की कलम तोड़ करके फिर लगाते हैं, जुलाई के पहले सप्ताह में ये बेल की रोपाई हो जाती है। जहाँ हमने शुरू में नर्सरी तैयार की थी वहाँ से भी हमको फसल का उत्पादन मिलता है और जो बाद में हमने लगाया तो सारी बेलों का उत्पादन हमारे को अक्टूबर के पहले सप्ताह में मिलना चालू हो जाता है। सबसे बड़ी खूबी ये है कि कैश क्रॉप है, इसको बेचने के लिए दिवाली जैसे जैसे निकट आती है वैसे वैसे मांग आपके खेत तक के ग्राहक चले आते हैं। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल, देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। विलास तिजारे धान के खेत में सिंघाड़े की खेती करते हैं एवं अधिक उत्पादन लेते हैं। धान के खेत में सिंघाड़े की खेती कर ये पूरे क्षेत्र के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। इनके सिंघाड़े उच्च क्वालिटी के होते हैं जिसकी मांग पूरे मध्य प्रदेश में है। तिजारे सर, जी सर, आपने बहुत उच्च तकनीक से ये सिंघाड़े की खेती की है, आपने ऐसी क्या तकनीक अपनाई? क्षितिज जी ऐसा है, जब मैं
सिंघाड़े के बारे में विचार कर रहा था तो एक चीज़ जो मुझे मूल रूप से समझ में आई और जो मुझे विशेष रूप से आकर्षित किया सिंघाड़े ने, कि धान की फसल जो है वो जुलाई में लगाई जाती है, मत्स्य बीज वो भी जुलाई में डाला जाता है और सिंघाड़ा भी जुलाई के प्रथम सप्ताह में लगाया जाता है, पर सबसे पहले अगर हमारे को पैसा देने वाली कोई फसल है तो वो सिंघाड़ा। अक्टूबर के प्रारंभ में हमारे को सिंघाड़े से की फसल आना चालू हो जाती है। तो एक मेरे मन में ये आया कि जब सिंघाड़ा हो रहा है, इसकी जड़ जमीन में रहती है और फल जो है ये पत्ते के नीचे लगते हैं और ये लगभग 4 इंच का ऐसा एरिया होता है पत्ते के नीचे का कि जिसमें फल लग रहे हैं, तो सिंघाड़े के लिए इतने गहरे पानी की आवश्यकता क्यों हो, हम 1.25 फीट में क्यों नहीं कर सकते। तो इस दिशा में मैंने प्रयास किया और 1.25 फीट में सिंघाड़ा लगाया। उसका लाभ ये हुआ साहब कि सिंघाड़े की जो बेल थी इसकी मोटाई ज़्यादा दिखी तालाब की तुलना में। ये देखने में आया कि सिंघाड़े का साइज जो है ये बड़ा है और फलों की संख्या अधिक है। दूसरा सबसे बड़ा लाभ ये है कि धान की खेती में जो हमारे को हमारे इलाके में लगभग 15,000 रुपये की लागत लग रही 1 एकड़ की खेती में, सिंघाड़े की खेती में भी 15,000 की लागत लग रही, लागत बराबर है, लगभग 1,800 रुपये कुंटल धान का पैसा मिल रहा है, जबकि सिंघाड़े का भी पैसा जो है वो 18 से 2,000 और जैसे जैसे दिवाली पास आती वैसे वैसे इसका दाम और बढ़ते जाता है। और ये सबसे बड़ी खूबी ये है कि कैश क्रॉप है, इसको बेचने के लिए दिवाली जैसे जैसे निकट आती है वैसे वैसे मांग आपके खेत तक के ग्राहक चले आते हैं। एक अपने आप में सबसे बड़ी ब्यूटी ये है। और इसके बाद में जिस तरह सिंघाड़े की हम खेती कर रहे हैं तो इसकी 4 बार तोड़ाई होती है फल की, हर बड़े परिपक्व फल हम तोड़ते चले जाते हैं और मंझोले हैं छोटे हों रखते हैं तो वो फिर से एक फ्लावरिंग फ्रूटिंग ये प्रोसेस 3 महीने तक चलता रहता है। तो इससे ये होता है कि 4 बार तोड़ाई इसकी होती है और इस 4 बार की तोड़ाई में हमारे को 40 से 45, यानी अगर मान लीजिए 1500 से 2500 रुपये क्विंटल का अगर एवरेज हम मान रहे हैं कि कम से कम हमारा 1500 बिका और अधिक से अधिक 2500 रुपये क्विंटल बिका तो 2000 को हम एवरेज मान सकते हैं। तो इस तरह 1 एकड़ में हमारे को 80 से 90 हज़ार रुपये का सिंघाड़े का उत्पादन मिल रहा है और जबकि धान में हम 15 से 20 क्विंटल तक के ले पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा अंतर ये है कि यहाँ 15,000 रुपये खर्च करके जहाँ हमारे को 8-10 हज़ार रुपये बच रहे हैं, वहीं हमारे को सिंघाड़े की खेती में 15,000 रुपये खर्च करने से हमारे को 65 से 70 हज़ार रुपये तक के प्रति एकड़ बच रहा है। तो ये तो एक मेरे अपने खेती का अनुभव है कि किसान के पास जितनी ज़मीन है उसने अपनी ज़मीन के 1/5 हिस्से को जल कृषि में परिवर्तित कर देना चाहिए। बहुत ही उन्नत किस्म के सिंघाड़े आप उगाते हैं। जी जी जी, मैं देख रहा हूँ सर, ये एक से ही है, इसमें भी अलग अलग प्रकार के होते हैं? हाँ जी, देखिए ऐसा है कि सिंघाड़े बहुत से प्रकार के हैं, कांटे वाले भी होते हैं, 2 कांटे वाले, 4 कांटे वाले है ना, और बिना कांटे वाले। ये जो वैरायटी अभी आप देख रहे हैं ये लाल गुलरा है, लाल गुलरा थोड़ी लेट वैरायटी है जी। हरीरा जो है उससे कुछ पहले फसल आती है। आमदनी के हिसाब से? आमदनी के हिसाब से एक जैसा है, इसमें कोई विशेष नहीं, पर अर्ली वैरायटी लेट वैरायटी जो बोलते हैं ये अंतर होता है। इसकी एक जो दूसरी विशेषता ये है कि जो सूखी गोटी बनती है, जो कांटे वाला सिंघाड़ा होता है साइज में छोटा होता है, उसकी गोटी नहीं बनती, वो सिर्फ उबाल के खाना मेलों में मड़ाइयों में वहाँ बिकता है जी। और ये जो है ये सुखा करके इसकी गोटी बन जाती है, सूख जाएगा ये, तो 1 क्विंटल कच्चे सिंघाड़े से, जैसे इसको 1 क्विंटल सुखा रहे हैं तो 20 किलो हमको गोटी सूखी गोटी मिलती जी। तो सूखी गोटी जो है उसका मिनिमम रेट जो है वो 200 रुपये किलो होता है और इसी सिंघाड़े की गोटी को जब आटे में परिवर्तित करके पैकेट बनाते हैं तो मिनिमम रेट उसका 250 रुपये का। तो इस तरह क्या होता है, जितना प्रोसेस करते चले जाएं आप, किसान उतना अधिक लाभान्वित होता है। तो किसान अपने आप को कितना आगे बढ़ा सकता है ये किसान के हाथ में जी। क्या आपके बोलने से आप ही के आसपास के क्षेत्र के किसानों को इससे लाभ हुआ है, क्या वो आपको फॉलो करते हैं? यहाँ कुछ किसानों ने अपनाया जरूर है। मैं पिछले 10 साल से किसानों को ये समझा रहा हूँ कि भाई हम ऐसी चीज़ें पैदा करें कि जिसकी डिमांड मार्केट में हो और हम सीधा अपने उपभोक्ताओं को बेच सकें। तो किसान आत्मनिर्भर बने, ऐसी चीज़ें पैदा करें कि जिसकी खुद मांग आए, ये जब तक नहीं होगा तब तक साहब किसान सुखी हो सकता है ऐसा मुझे।
सर, ये जो आपने इतना लगाया है और ये सिंघाड़े में जो तकनीक अपना के आपने ये सब रिजल्ट दिए हैं, तो इसको लगाने में आपका कितना खर्चा हुआ? ऐसा है सर, इसको लगाने में या करने में कोई विशेष खर्च या बात नहीं आई, क्योंकि मैं धान का किसान रहा हूँ मूल में, तो धान की जो गहरी बंधियाँ हैं उनमें बिना विशेष कुछ किए, या अगर किसी बंधी की गहराई कुछ कम है तो पार पे हल्की सी मिट्टी डलवा के उसको ऊंचा करवा लिया, तो एक 2-4-5 हज़ार की लागत आई वैसा करने में। और जो बंधियाँ गहरी हैं जहाँ पानी ऐसी 1.25 फीट स्टोर, यानी ये पिंडली तक के इतना अगर पानी स्टोर हो सकता है, तो आसानी से इसमें सिंघाड़े खेती, तो अलग से कुछ विशेष लागत धान की खेती में जो लागत आ रही है 15,000 रुपये प्रति एकड़, थोड़ी देर पहले मैंने जैसा बतलाया था 15,000 रुपये एकड़ के लगभग इसमें भी वही लागत लगती है। हमने जब एक जल कृषक कमलेश से बात की जो पहले से सिंघाड़े की खेती तालाब में करते थे, इसकी खेती करते हैं। हाँ सर जी, मैं तालाब में पहले खेती किया। तालाब में खेती की अपेक्षा जो उत्पादन हमें मिलना चाहिए तालाब में, उससे कहीं ज़्यादा हमें बंदी की खेती करने में मिलता है। तो किसान भाई यही कहूँगा, अगर अपने पास तालाब गहरे हैं तो उसमें शायद मछली पालन ही कीजिए, और जो बंदियाँ हैं उसमें अपन सिंघाड़े की खेती कर सकते हैं, उत्पादन अधिक से अधिक ले सकते हैं। और जो मेरी आर्थिक स्थिति जो पहले थी उससे कहीं ज़्यादा अभी सुधर चुकी है, और मैं बहुत खुश हूँ कि खेती कर। 10,000 की लागत थी और 50,000 रुपया का मेरे को उसमें लाभ मिला। तो एक बात ये समझ में आई थी कि जलकृषि करने में अपनी लागत का 5 गुना मुनाफा अपने को मिलता है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। विलास तिजारे सिंघाड़े की खेती के साथ साथ मछली पालन भी करते हैं। जब सिंघाड़े की खेती हो जाती है और उसी तालाब में मछली का पालन करते हैं, जिससे इनको अच्छी आय प्राप्त होती है। तिजारे सर जी, जी मैं देख रहा हूँ कि आप जल कृषि में सिंघाड़ा पैदा करते हैं जी, और मछली पालन भी है जी, तो ये शुरू में जो आपकी जितनी एकड़ जमीन है उसमें से बाद में ये सब किया या शुरू से ये सब था? हाँ नहीं नहीं नहीं, ये शुरू से सब नहीं था। जिस समय मैं खेती करने आया तो हमारी कुल ये 35 एकड़ जमीन है, यहाँ ये व्यवस्थाएँ नहीं थी। यहाँ धान की खेती होती थी, ये मुंडा कहलाता था, इसमें बहुत कम पानी होता था और वो बारिश ख़त्म होने के बाद में 1-2 महीने में ख़त्म हो जाता, फिर चना गेहूँ बोया करते थे जी। तो जब मैं धान की खेती करने लगा तो मुझे धान की खेती करते करते उसको ऊंचाइयों तक ले गया, फिर ये समझ में आया कि धान की खेती की समस्याएं हैं, तो उसमें मछली पालन से जुड़ा मैं। तो मछली पालन में सबसे पहले मत्स्य बीज का काम चालू किया, तो इस ओर जो देखते हैं आप पीछे नर्सरी बनाना चालू किया 3 एकड़ में पहले, और उसमें मत्स्य बीज पालन चालू किया। कॉमन कार्प का मत्स्य बीज पालता था और उनको बेचता था। वो करते करते ये समझ में आया कि मत्स्य पालन का काम जो है ये फायदे का है। शुरू में देखा थोड़ी सी लागत थी, 8-10 हज़ार की लागत थी और 50,000 रुपया का मेरे को उसमें लाभ मिला। तो एक बात ये समझ में आई थी कि जलकृषि करने में अपनी लागत का 5 गुना मुनाफा अपने को मिलता है। फिर यही बात समझ में आई तो ये तालाब में मछली पालन, अब जब छोटी मछली का बच्चा बेच रहे हैं तो उनने कहा बड़ी मछली अब पालें, तो ये तालाब जो तालाब का स्वरूप था ये ऐसा इतना गहरा नहीं था, तो इसको फिर तालाब का रूप दिया मैंने जी। तालाब का रूप देने के बाद ये देखा कि इसका पानी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता था। अगर मान लीजिए बारिश का पानी अपन ने भरा तो हार्डली 9-10 दिसंबर तक सूख जाता था। तो फिर ये बात समझ में आई कि अपने पास जो पशुपालन है तो इसका पाइपलाइन से गोबर गोमूत्र यहाँ बहाना चालू किया। उसका लाभ ये मिला कि 3 साल में ये स्थिति बन गई कि यहाँ मार्च अप्रैल तक के पानी रहना चालू हो गया, और आज जो आप पानी देख रहे हैं जी ये वर्षा का पानी है और अब ये अगली आने वाली बरसात तक रह जाएगा। अब यहाँ का पानी ख़त्म नहीं होता। तो गौ पालन हम कर रहे हैं, गोबर गोमूत्र बह के आता है पाइपलाइन से, तो यहाँ पे सिंघाड़े की खेती हो जाती है। और सिंघाड़े की खेती ख़त्म होने के बाद में अब इसमें मछली का बच्चा डाल देते हैं,
तो सिंघाड़े की पत्तियों के अवशिष्ट जो है, सड़ा गला जो उसका पौधे का तना है, वो मछलियों के लिए आहार बन जाता है। और गोबर जो वहाँ से आता है, उससे प्लांटान है, और वो जो जली वनस्पतियां, वो देखिए घास वगैरह आपको दिख रहा है जी। तो ग्रास कार्प है, कॉमन कार्प, इस प्रजाति की जो मछलियां जी, इनके लिए अतिरिक्त फिश फीडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ये सिंघाड़े की खेती के बाद मछली पालन, और सिंघाड़ा और मछली पालन एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, मछली को पनपने के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन चाहिए, और सिंघाड़े का पत्ता पूरा जब पानी को ढाक लेता है ना, तो पूरा ढाक लेता है, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, प्राकृतिक ऑक्सीजन उसमें नहीं मिलती। नहीं मिलने से होता यह है कि उसमें मछलियाँ पनप नहीं पाती हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सिंघाड़े की खेती समाप्त हो गई, पत्ता सड़गल के बैठने लगा, अब ये वही सिंघाड़े की पत्तियां जो हैं, ये मछली के लिए भोजन का काम कर रही, तो आपको अलग से इसमें कुछ डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे मछली पालन का एक अच्छा सा सिंघाड़े के बाद में हमको उत्पादन मिल जाता है, तो ये लाभ होता है। और जहाँ हमको सिर्फ मछली पालन ही करना है, तो इस तरह जहाँ अपन ने किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश में हमने, तो यहाँ मछलियाँ जल्दी बड़ी होती हैं, और यहाँ पे सिंघाड़े की खेती ख़त्म होने के बाद में रोहू मृगल का बच्चा अगर हम डाल देते हैं, तो वो भी 100 रुपये किलो से हमारे को बेचने में 2-3 महीने की लागत में, 2-3 महीनों में ही हमारे को एक अच्छा उत्पादन यहाँ से मछली का भी मिल जाता है। ये जो पॉन्ड है कितने एरिया में है? ये 1.5 एकड़ का है सर, इससे लगभग 1,00,000 रुपये की मछली मिल जाएगी सालाना जी। इसमें अलग अलग प्रजाति की मछलियाँ सर? जी जी जी, इस मछली का रूप चंदा कहलाती है ये। क्या नाम? रूप चंदा। वाह, रूप और चंदा जी, वाकई बहुत खूबसूरत है। जी जी। और सर ये इसके मुंह में ये जो दांत है? हाँ, ये दांत रहते हैं इसके। हाँ, इससे ये जो संखी होती है ना इसमें जी, उनको फोड़ के खाती है ये। अच्छा, हार्ड होने की? हार्ड होने जी। ये 400 रुपये किलो बिकती है ये वाली मछली जी। जब हमने सिंघाड़े की खेती के बारे में वरिष्ठ कृषि अधिकारी MD नायक से बात की, तो उन्होंने बताया, हमारे विकास खंड में लगभग 90 पंचायत हैं, 90 पंचायतों में कम से कम 5-5, 6-6 किसान इस पद्धति को अपना रहे हैं। कुछ लोग तालाबों में इसको लगा रहे हैं सिंघाड़े को, और कुछ लोग अपनी जो है धान की बंदियों में, जहाँ पर धान की बंदी में 1 एकड़ में 25,000 से 30,000 की आय होती है, आमदनी होती है, वहाँ पर इनकी प्रेरणा से हमारे तजारे जी ने जाकर के प्रशिक्षण दिए। हमने कृषि विभाग के माध्यम से बहुत जगह पर प्रशिक्षण रखे, आपने उनको सलाह दिए किसानों को, और उन किसानों ने धान की खेती में इस पद्धति को अपनाना शुरू किए हैं, सिंघाड़ा लगाना शुरू किए हैं। उनको लगभग 60,000 से 70,000 प्रति एकड़ की आमदनी हो रही है अब, तो हमारा किसान समृद्ध हो रहा है। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो, तो किसानों की आय दुगनी कैसे होगी? किसानों की आय दुगनी इसी प्रकार से होगी कि जब किसान अपने एक खेत के साथ में अनेक जो है खेतियां वहां पर करेगा। हमारे यहां सभी जैविक सिंघाड़ा है, और बाकी जो फसलें हैं वो भी यही बोते हैं, पर इनसे प्रेरणा लेके मैं अपने घर के आसपास पूरी जैविक सब्जियां, जैसे ये हरी सब्जियां हैं, आलू है, ड्रमस्टिक है, सेमी है, तुअर है, लौकी है, ये सभी सब्जियाँ मैं स्वयं उगाती हूँ, और स्वयं ताज़ी ताज़ी तोड़ के और इन्हें व्यवस्थित खुद अपने हाथों से पका के। और मेरा ये कहना कि सभी किसानों के यहाँ ये इसी टाइप से जैविक सब्जियाँ उगा के उसका उपयोग किया जाए। तस्वीर बदलना है कृषि की, और भाग्य कृषक का गढ़ना है, लाभ और सम्मान मिले अब उन राहों पर बढ़ना है। नहीं पुरातन पंथी से खेती आगे बढ़ पाएगी, नहीं पुरातन पंथी से खेती आगे बढ़ पाएगी, और तकनीक बिना खेती से केवल हाथ निराशा आएगी। तो समय आ गया, आज समय को समझ सोच कर पढ़ना है, लाभ और सम्मान मिले अब उन राहों पर बढ़ना है। तो देखा आपने किस तरह से विलास तिजारे सिंघाड़े की उच्चतम तकनीक से खेती करके अच्छी आय कमा रहे हैं, और साथ ही साथ मछली पालन भी कर रहे हैं। आप भी इनसे प्रेरणा लेकर बहुत अच्छी आय कमा सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, और सिंघाड़े की खेती कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम प्रगति की राह पर। हमारे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक और प्रगतिशील किसान गौरीशंकर से। ये हैं ग्राम सिंगोत कला, तहसील चोमू, जिला जयपुर, राजस्थान के निवासी। ये
खीरे की खेती करते हैं, कैप्सिकम की खेती करते हैं, शिमला मिर्च उगाते हैं। उसके अलावा इन्होंने एक डैम बनाया जिसमें इन्होंने बरसात का 1.5 करोड़ लीटर पानी इकट्ठा किया हुआ है। मौसम जल स्तर बिगड़ रहा, मिट्टी की हालत बिगड़ रही और कृषि पर आधारित किसान की जीवन शैली उजड़ रही, तो मिटने से पहले सब कुछ इन हालातों से लड़ना है। लाभ और सम्मान मिले अब उन राहों पर बढ़ना है। ठल वो लेता है निकाल जो कभी नहीं धीरज खोता, और हो जवान सा साहस जिसमें फर्क उसे क्या पढ़ना है। लाभ और सम्मान मिले अब उन राहों पर बढ़ना है।